हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। दोस्तों, यहां पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए बोर्ड परीक्षा 2019 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए। जी हां दोस्तों, 10th क्लास की है ये वीडियो सोशल साइंस का। जी हां दोस्तों, यहां पे सोशल साइंस का मैं यहां पे 40 ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में 2019 में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पर, और ये बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियली मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पर। ये सीनियर्स स्कूल एग्जामिनेशन, सॉरी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2019 एनुअल, ठीक है, सोशल साइंस मॉडल सेट। ये पहला सीरीज है आपका मॉडल सेट का। इसके लगातार 10 सीरीज आने वाले हैं, 10 सेट जो आप लोगों के एग्जाम्स रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे वीडियो पर बने रहना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। आपका दोस्त अगर 10th क्लास में है, अगर ज़रूरत है उसको, तो ये वीडियो शेयर कर दो ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का जो है फ़ायदा उठा पाए आपके साथ साथ, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इतिहास, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये यहाँ पर सारी क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो ये आपका राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पे कार्बोनरी, ठीक है, आपका राइट आंसर बी होगा। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। दो नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, यह आपका राइट आंसर है यहाँ पे रूस का सम्राट, ठीक है, दो का डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तीसरा क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो ये है आपका राइट आंसर दोस्तों धार्मिक आंदोलन, ठीक है, तीन का बी आपका राइट आंसर। जो लोग बना लिए हैं दोस्तों इस तरह के प्रश्न को मॉडल सेट पेपर को क्लास 10th की, वो अपना आंसर मिला लो कि कितना सही हुआ है। बहुत से छात्र मुझे कमेंट में बता रहे थे कि 10th का जो सारी वीडियो लेकर आई है, तो मैं आपको रोजाना इस तरह का वीडियो लेकर आऊँगा। यहाँ पे सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, जितने भी आपके सब्जेक्ट है 10th क्लास की, सारी का सारा वीडियो लेकर आऊँगा। मिनिमम 5 से 10 सेट लेकर आऊँगा जब तक आप सभी का एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है, तो चैनल पर बने रहना। चार नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है आपका 1920, चार का ए हो जाएगा, ठीक है। पांच नंबर क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। 1917 ईस्वी में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर है दोस्तों कलकत्ता में, ठीक है, कोलकाता, पाँच का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छः नंबर कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, ठीक है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर है दोस्तों श्रमिक वर्ग का, ठीक है, छः का ये हो जाएगा श्रमिक वर्ग का। सात नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो ये आपका राइट आंसर है दोस्तों रेशम मार्ग से, सात का बी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए बने रहना चैनल पर। देखिए, आठ नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो ये आपका राइट आंसर है दोस्तों बाइबल, ठीक है, आपका राइट आंसर है यहाँ पे बाइबल, ये जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है, गुटेनबर्ग। नौ नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो राष्ट्रपिता के नाम से आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी को जाना जाता है, नौ का बी आंसर राइट है। दस नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो ये आपका है मध्य वर्ग, ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ग को उभर कर जो आया था वो है आपका मध्य वर्ग, दस का डी आंसर, ठीक है। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, ठीक है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, ये आपका 11 का बी आंसर सही है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका है, ठीक, 11 का बी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर है 12 का सी, एकहरी शासन व्यवस्था, ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है, 12 का सी।
13 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ये 1980 के दशक की बात है दोस्तों। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने किया था। 12-13 का डी आंसर, ये पटना के गांधी मैदान से किया था, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बहुसंख्यकों का शासन, ठीक है। ये बहुसंख्यकों का शासन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अनुरूप नहीं है, इसको रट लो दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड ने सिलेक्ट करके आप सभी को दिया है कि इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किस में यह घोषणा की गई थी। आप सभी को पता है, प्रस्तावना पढ़े होंगे दोस्तों 7th या 6th क्लास में, कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब इस तरह के आप प्रस्तावना पढ़े होंगे, तो उसमें कहा गया है, घोषणा किया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, तो इसका राइट आंसर आपका 15 का ए, प्रस्तावना में, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है, तो ये आपका जो राइट आंसर है दोस्तों 15वीं लोकसभा, ठीक है। ये पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2016 में, इसी में आपका जो महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गया था। ये 15वीं लोकसभा चुनाव में आपका जो है 10% महिला की भागीदारी अधिक कर दिया गया, 10% से अधिक। 16 का बी राइट आंसर, 15वीं लोकसभा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय दल न कि राजकीय दल है, ठीक है। राजकीय दल है जनता दल यू, DMK और लोक जनशक्ति पार्टी, लेकिन राष्ट्रीय दल पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी BJP, ठीक है। BJP यहाँ पे राष्ट्रीय दल है, यानी कांग्रेस हो गया, BJP हो गया, इस तरह का जो है आपका राष्ट्रीय दल होता है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। लोकतंत्र का प्राण आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लोकतंत्र का जो प्राण है ये राजनीतिक दल को कहा गया है, ठीक है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है संविधान में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। तो आप सभी को पता है ये 19 का ए होगा, 3 सूची में, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 20 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। रंग भेद के, ये आपका राइट आंसर है यहाँ पे JD Goodey, ठीक है। ये JD Goodey ब्रिटेन की अभिनेत्री भी थी, ये JD Goodey जो है लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। आपका राइट आंसर है 20 का डी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था, सासाराम नगर का जो विकास हुआ था ये किस युग में हुआ था, मध्य युग में, ठीक है। सासाराम नगर कहाँ है, बिहार में, ठीक है, ये मध्य युग में विकास हुआ था सासाराम नगर का। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था। अविभाजित बिहार यानी उस समय का बिहार जब झारखंड साथ ही में था, यानी 2000 से पहले की बात है, ठीक है, 2000 ईस्वी से, तो कौन सा एकमात्र नियोजित नगर था, तो ये आपको पता है कि पटना, मुंगेर, गया, ये बिहार में ही है, लेकिन अविभाजित की बात कर रहा है यानी झारखंड था उस समय की, तो जमशेदपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर, 22 का सी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, इसका राइट आंसर है 23 का ए। 24 नंबर क्वेश्चन है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे है, ठीक है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे है, इसका राइट आंसर है दोस्तों राजगीर में, ठीक है, राजगीर में यानी नालंदा जिला में है, राजगीर पड़ता है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे है, तो राजगीर में है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है कहाँ पे, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तर बिहार मैदान में, ठीक है, उत्तर बिहार मैदान में, नॉर्थ बिहार प्लेन, ठीक है, इसमें जो है तेल मिलने की संभावना है, खनिज तेल। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कांवर झील स्थित है, कांवर झील कहाँ स्थित है, बिहार के बेगूसराय जिला में, ठीक है, बेगूसराय जिला में, लक्ष्मी सागर झील है दरभंगा जिला में, लेकिन यहाँ पे पूछा रहा है कांवर झील
तो आपका बेगूसराय राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पटना में। ठीक है, ये चिड़ियाघर का नाम है, पटना में बिहार में चिड़ियाघर है, उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में पड़ता है, 27 का डी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, इसका जो राइट आंसर है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, ये सड़क का जो है वर्ग नहीं, ये नाम है दोस्तों, ये जो है पूर्व पश्चिम गलियारा एक्सप्रेसवे सीमांत सड़क, ये सड़क का नाम होता है, लेकिन ये जो है किसी शहर को जोड़ता है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। ठीक है, ये सड़कों का एक वर्ग नहीं है, 28 का राइट आंसर है आपका सी। 29 नंबर क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित देश कहलाता है। ठीक है, जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा उसका वह देश कहलाएगा विकसित। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की प्रति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है किस राज्य की, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गोवा की। ठीक है, गोवा की जो है सबसे अधिक है आय प्रति व्यक्ति। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, मुद्रा का कार्य नहीं है दोस्तों, यहाँ पे विनिमय का माध्यम भी कार्य है, मूल्य का मापक भी कार्य है, मूल्य संचय भी कार्य है, लेकिन उत्पादन में मुद्रा का कार्य नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका उत्पादन 31 का डी हो जाएगा। देखिए 32 नंबर है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो ये आप सभी को पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, 1935 में इसका स्थापना हुआ था RBI, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी सेंट्रल बैंक है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 33 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कोयला पेट्रोलियम विद्युत, ये सभी जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसका राइट आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड के किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा, थम्सअप जो एक कोका कोला होता है दोस्तों आप सभी को पता है, ये कोल्ड ड्रिंक का है, इसको जो है खरीद चुका है कोका कोला ने। ठीक है, कोका कोला ने थम्सअप ब्रांड को खरीद लिया है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, फसल को, पशुओं को, भवनों को, या उपरोक्त सभी को, तो आप सभी को पता है अगर कहीं भी बाढ़ आएगा तो फसल को भी बर्बाद करेगा, या वहाँ के पशुओं को भी, और वहाँ पर भवन जो बने होंगे उसको भी हानि पहुँचाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी को। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, सामान्य संचार व्यवस्था, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों केबल का टूट जाना, जब केबल का तार जो है टूट जाता है तभी आपका संचार व्यवस्था जो है बाधित हो जाती है कुछ समय के लिए, जब फिर जोड़ दिया जाता है तो फिर सामान्य स्थिति में आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है आपका केबल का टूट जाना। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है, इसका राइट आंसर आपका ठंडा पानी डालना चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भूकंप केंद्र आपका, ठीक है, ईपी सेंटर हो जाएगा इसका राइट आंसर 38 का ए। 39 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, इसका राइट आंसर है उत्तरी बिहार। ठीक है, उत्तरी बिहार यानी कोसी जहाँ पे है वो बाढ़ से काफ़ी प्रभावित क्षेत्र है। 40 नंबर क्वेश्चन है लास्ट आज का कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा, ठीक है दोस्तों मानव जनित आपदा कौन है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, ये महामारी, सब ये मानव जनित आपदा, यानी खुद मानव उसका उपयोग मतलब फंसते इसी में, दंगे करवाते हैं मानव ही, आतंकवाद भी मानव ही बनते हैं, और महामारी मानव में ही फैलता है। ठीक है, ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए होंगे 40 क्वेश्चन जो यहाँ पे किए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह के मैं आपको 10 सेट दूंगा, यानी कम से कम टोटल 400 क्वेश्चन, अगर सोच सकते हो 400 क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो तो कितना आगे बढ़ जाओगे दूसरे विद्यार्थियों की अपेक्षा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जब भी कोई वीडियो आता है तो सबसे पहले वॉच कीजिए वीडियो को, और बनाइए देख और बताइए मुझे कि कितना आता है और किस तरह का वीडियो चाहते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, जल्द ही लेकर आता हूँ साइंस के, मैथ के, संस्कृत, हिंदी, मैथिली, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी चीज़ों की जानकारी जो है इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दी जाती है, कोई भी न्यूज आता है, क्वेश्चन आंसर,
जितने भी न्यूज़ आएंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड, सभी चीज़ों की जानकारी जो इस चैनल पे आपको सबसे पहले दी जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।